उत्तर प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार अलर्ट हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड 19 से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में कोविड संक्रमण के नए मामलों की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के दृष्टिगत सतर्कता और सावधानी बरती जाए। मुख्यमंत्री यहां अपने सरकारी आवास पर टीम 9 की बैठक में प्रदेश में कोविड 19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज दिए जाने के कार्य में तेजी लाई जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि पात्र लोग टीके की दूसरी खुराक समय से लें। बैठक में बताया गया कि पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण के 413 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 209 व्यक्तियों को सफल उपचार के उपरांत डिस्चार्ज किया गया। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामले की संख्या 1849 है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 104,000 से अधिक कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक राज्य में 11,49,27,837 कोविड टेस्ट संपन्न हो चुके हैं। बैठक में यह जानकारी भी दी गई है कि राज्य में गत दिवस तक 33,45,50,000 से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 13,99,99,000 से अधिक लोगों को टीके के दोनों डोज देकर कोविड सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है। इस प्रकार 94.96% लोग कोविड टीके के दोनों डोज ले चुके हैं। इसी आयु वर्ग में 15,33,50,000 से अधिक लोगों ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज प्राप्त कर ली है। उत्तर प्रदेश कोविड टेस्टिंग और टीकाकरण में देश में शीर्ष स्थान पर है। विगत दिवस तक 15-17 वर्ष आयु वर्ग में 98.89% किशोर कोविड वैक्सीन की प्रथम डोज तथा 82.92% किशोर टीके की दूसरी खुराक प्राप्त कर चुके हैं। 12-14 वर्ष आयु वर्ग के 92.80% बच्चों ने टीके की पहली खुराक तथा 53.44% बच्चों ने टीके की दूसरी खुराक प्राप्त कर ली है। 33,57,000 से अधिक प्रिकॉशन डोज प्रदान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य की पूर्ति के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। असीमित जनपदों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु PPP नीति घोषित की गई है। उन्होंने प्रदेश में PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।